आइए यहाँ पे इनके वो जो मृतक महिला है उनके ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दोनों छोटे बच्चों का इनका माँ का आंचल छिन गया, माँ का दुलार छिन गया, प्यार छिन गया। आखिर इनका परवरिश अब कैसे होगा ये तो भगवान ही जानता है। मैं इस बच्चा से बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? मिठू। मिठू नाम है? बोलो बेटा, बोलता। मिठू नाम है? मिठी। मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था? हाँ बेटा। हाँ, मम्मी को कौन मार दिया बेटा? सुना बोलो, सुना। पापा मार दिया? सुन सकते हैं, देखिए आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये मासूम बच्चा है, ये बता रहा है कि मम्मी को पापा ने मार दिया। कितना बड़ा दरिंदगी किया है उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहनपुर प्रखंड के साबरचक गांव में और यहां पे एक काफी बड़ा दर्दनाक घटना हुआ है। एक पति ने ही अपने पत्नी को गला दबाकर मार दिया है। अभी मैं उसी घटना स्थल पे मौजूद हूं, आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिर घटना कैसे हुआ। काफी भीड़ लगा हुआ है, ग्रामीण भी यहाँ पे काफी उपस्थित है, उनके परिजन भी है यहाँ पे, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। मृतक महिला है, उनके कौन है आप? पापा। उनके पापा हैं जी। आपको ये घटना की जानकारी कैसे मिली? ये 10-11 बजे रात तक बातचीत होते रहे, बोला कि पापा जो ये लोग ठीक खा के आया है, पापा जे ये लोग ऐसे करते रहता है, पापा जे माने कि चुपचाप मौजूदा पापा रख दात बहने बात करी है। और इसके पहले हमसे माने हमारा बेटी बोला था कि पापा ये लोग तंग करते रहता है, कहता है कि नहीं खाट ने दिया, तुम्हारा बाप ने दिया, पलंग ने दिया, तोशक ने दिया, इस दुनिया तरह के बात लंबा लंबा लिफाफा करते हैं। मतलब फोन आपके पास कौन किया था? मतलब बच्ची भी किया और मैं लेकर किया। अब बच्ची बोला कि पापा फोन मार रख दा जी पी खा के ने तो टंकी कर। अच्छा, हत्या से पहले आपके पास फोन गया? जी, हत्या के पहले भी हुआ और लड़का बाद में भी बोला है कि हम मर्डर कर दिए हैं, अपना बेटी क्या के देखी। अब कितना बजे फोन किए थे? हमने 11 बजे के बाद इसे किए। उसके बाद आप यहाँ सुबह आए कि रात में आए? हम रात से यहाँ चले, 1-1.5 बजे हम चले गए थे, लेकिन सुबह में हम पहुँच पाए। यहाँ पहुँचे तो देखे आपकी बेटी का हत्या कर दिया। जी जी, अब बुरी तरह से आप लोग भी देख सकते हैं, गाँव वाले भी उनका बता सकते हैं। चलिए, यहाँ इनका पिताजी का कहना है कि लड़की हमें फोन करके बताया, पहले भी बताया करती थी कि खाट पलंग के लिए ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा था। अच्छा, हमको आप ये बताइए कि दहेज आप दिए थे पहले? जी। कितना दहेज दिए थे? दहेज तो दिए हम 1-1.5 लाख रुपया भी दिए हैं और उसके बाद एक चैन भी दिए हैं, ये सुनिए तो माने जेवर टोटल हम दिए। उसके बाद भी दहेज मांगा जा रहा था? हाँ, माने खाट पलंग की बात है कि खाट पलंग नहीं दिया तो ये नहीं दिया तो उन्हें दिया तो इसे दो तो इसे दो, बहुत तरह की बात माने। अच्छा, ये दोनों के बीच पहले भी बराबर ऐसे झगड़ा होते रहता था? नहीं, कभी कभी देखिए होता था ना कि दोनों में ऐसे नहीं होता, जैसे हुआ वैसे नहीं होता था। देखिए जैसे फगुआ के टाइम में इनका पिताजी के भी अपना मारपीट कर दिए, हमारे बच्चिया के भी किए, अपना ये छोटा जो नाती है उसका भी देखिए देखिए यहाँ निशानी मारा हुआ। मतलब कल ही मारा है ना पहले? नहीं, होली के टाइम। होली का टाइम। चलिए, लड़की के और भी परिवार है, मैं उनसे, मृतक महिला का परिवार है, क्या नाम से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कविता कुमार। आप कौन हुए लड़की का? हुआ। आपको कैसे जानकारी मिली? भैया बोले कि भैया देखो तो सही बात है कि गलत बात है, पूजा ऐसे ऐसे फोन कर रही है, उसको दामाद फोन किए भैया के कि हम मार दिए हैं आपको, बेटी के ले जाइए। तो भैया हमको सब पूछे कि नैया फोन करो, तो हम फोन किए अपना भतीजी था, तो बंद बताया नंबर, तो फिर हम लड़का तर फोन किए तो मुखिया जी उठाए, मुखिया जी बोला कि इसे आप कौन बोल रही हो, बोले कि उसको हम फुआ बोल रहे हैं, तो सही बात है ऐसे कि गलत बात है मुखिया जी, तो हम बोले, तो बोले कि नहीं इसे सही बात है, इसे आप देख सकते हैं आके। आपका बगल में ही घर है? हाँ, बंदा घर है। बंदा घर है? हाँ। इसके पहले भी आप कभी खबर सुने थे ऐसा कि लोग दोनों के बीच झगड़ा? नहीं, हम ऐसा नहीं सुने थे, कभी ऐसा नहीं होता? नहीं। सास ने इनको से पूछ लीजिए भैया। आप कौन हुए? हम छोटी सास हुए उसको सर। जो मृतक महिला है उनके? हाँ। कहाँ? बगल में ही आपका घर है? घर है, उन्हें फिर 3 भाई है, मंजिली है। अच्छा, हमको आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच और भी कभी आप हल्ला गुल्ला सुनते थे? कभी नहीं सुनते थे सर, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। कल तो ऐसे किया लड़का, एतवार के ढहर के चल गया, कल लेके अला खाया पिया जैसे सब, दोनों परानी मनी बाल बच्चे सब एक जगह खाया बनाया जैसे, और बच्चा सुता दिया हमको जगह, और अपना दोनों भी चले आई घर में, घर में चले तो बच्चा रोने लगा 12:30 बजे रात के, तो हम लेके आए, खोलो बाबू केवाड़ी, खोलो बड़की केवाड़ी, तो केवाड़ी खोलिए रहा है, तो लड़का बोल रहा है उन्हें से कि नहीं खोलेंगे केवाड़ी,
से दूर लहास देखिएगा भोरे से जो अपना घर कहीं खोला ही के नहीं केवल बहुत चिल्ला चिल्ली हो गए लगे फिर जाके बेटियन के उठे फिर उन्हें आवाज दिल कर कबल थी तब केवड़िया खोलल थी तो देखा तो बाटल है दोनों अंदर रूम में बंद था। हाँ दोनों बंद था। खाना वो आप ही के पास खाया था। हाँ ये एक के जगह बना ले तो खाई थी। तो लोग बोल रहे हैं कि शराब का नशा में था वो। नहीं वो सब तो नहीं देखे वैसा कुछ नहीं लग रहा था। नहीं जैसे ऐसा बोला खाया पिया एक के जगह सब हम और अपन रूम में सूत गया हम अपन रूम में सो गए तो हल्ला गुल्ला हुआ उसके बाद आप जाने तो आइए बचवा रोवे लगले तो लेके ने बचवा हमरा तो धर दल थी हल्ला इन्हीं लोग की हां अच्छा यहां आए तो आप क्या देखे कि दरवाजा बंद था हां बंद था तो बहुत चिल्लाए हैं कि खोलो केवाड़ी बाबू खोलो बाबू काम रहा है खोलो केवाड़ी खोल बेटा मनोज मनोज खोल केवाड़ी बड़की बड़की खोल केवाड़ी ऐसे कह बोलती है तब उन्हें से कहा जो ऐसे अभी नहीं केवाड़ी खुलेगा से भोरे खोलेंगे से दूध लहास देखना ऐसे काहे बोल रहे हैं बहुत गारा गाड़ी किया धक्का खूब मारे केवड़िया ने कि बेटियां हमको बतिया उठ गया तो उन्हें खिलाया तो फिर आया तो खोला केवड़ी आप लोगों के सामने खुला हाँ लड़का खोला लड़का खोला आप लोग अंदर गए तो देखे कि वो महिला मरी पड़ी हुई है। चलिए मैं अब उस घटना स्थल को दिखाता हूँ जहाँ पे अभी सब पड़ा हुआ है। देखिए अभी आप देख रहे थे कि जो मृतक महिला है उनकी छोट सास हुई ये बता रही है कि जब हम आए तो दोनों गेट लगा करके बंद थे और उसके बाद हम लोग बोले दरवाजा खोले तो वहाँ पे देखे कि तब तक मृतक महिला की हत्या हो चुकी थी। आइए घटना स्थल पे मौजूद हूँ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ जो मृतक महिला पड़ी है उनका शव पड़ा हुआ है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मैं घटना स्थल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों के बीच काफी नोक झोंक हुआ है। यहाँ पे इधर दिखाएंगे चूड़ियां भी पड़ी हुई है इधर शंखा चूड़ी है दोनों के बीच काफी इधर देखिए बेड भी बिखरा पड़ा हुआ है और ये मृतक महिला है इनके गालों पे काफी खरोच का निशान है दिखाएंगे इधर काफी बेरहमी से इस महिला का हत्या किया गया है। आइए यहाँ पे इनके वो जो मृतक महिला है उनके ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दोनों छोटे बच्चों का इनका माँ का आंचल छिन गया माँ का दुलार छिन गया प्यार छिन गया आखिर इनका परवरिश अब कैसे होगा ये तो भगवान ही जानता है। मैं इस बच्चा से बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? मिठू। मिठू नाम है? बोलो बेटा बोलता। मिठू नाम है? मिठी। मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था? हाँ बेटा। हाँ मम्मी को कौन मार दिया बेटा? सुना बोलो सुना। पापा मार दिया? सुन सकते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं सुन सकते हैं कि ये मासूम बच्चा है ये बता रहा है कि मम्मी को पापा ने मार दिया कितना बड़ा दरिंदगी किया है उन्होंने कितना बड़ा। यहाँ पे इस पंचायत के मुखिया जी मौजूद हैं मैं उन मुखिया जी से भी बात करूँगा इस घटना के पीछे आखिर क्या कारण है आखिर क्या जानकारी है आपको वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं। मुखिया जी सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय मुखिया हुस्न बानो के मैं पति हैं मेरा नाम अजमत अली है ये पंचायत अम्बतरी का ही मुखिया है और जहाँ तक के जो हम जानते हैं वो बता रहे हैं कि कल शाम को लड़का और लड़की दोनों को हमने देखा कि अपना नेहा धो रहा है यहाँ पे चापाकल है इसी चापाकल पे हमको बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम एक घर बढ़ गया लेकिन ये तो भविष्य का बात है हम लोगों को क्या पता कि रात में वो क्या करेगा वो यहाँ रहता होता नहीं है उसके माँ बाप कोई नहीं रहता है दो झोपड़ा बना हुआ है उस झोपड़ा में वो आ करके दो दिन पहले लाया था लड़की को। तो आपका घर यही बगल में ही पास में ही है? बिल्कुल हमारा पड़ोसी है हमारी खानदान इसको बसाया भी है और हम लोगों में आज तक कोई भेदभाव नहीं रहा बिल्कुल मेरा घर के जैसा है समझ जाइए मेरे घर है लेकिन अब ये होनी तो लड़का बता सकता है कि क्यों ऐसा किया। तो इसके पहले उन लोग कहाँ रहते थे? सब धनबाद। धनबाद में रहते थे? धनबाद सिंदरी में कहीं पर इन लोग के कुछ ठिया हुआ है जहाँ कुछ काम धंधा इन लोग करता है। कितना दिन पहले यहाँ आए उन लोग? तीन दिन पहले कई दिन तीन या चार दिन पहले लड़की को लाया है। अच्छा। तो दूसरा या तीसरा दिन लड़का यहाँ से वापस चला गया लड़की को यहाँ छोड़ करके वो अपने घर में खाना वाना बना रही खा रही है। कल शाम को लड़का वापस आया आया खाया पिया अपना सोया सोने के बाद में रात को करीब करीब साढ़े ग्यारह पौने बारह बजे के लमसम में आवाज़ हमको मिला बहुत काफ़ी हंगामा हो रहा था क्या कि आवाज़ क्या है उठे
क्या बात है, तो मर्डर हो गया। अरे मर्डर किसको होगा भाई, वहाँ से आए, देखें लड़का को पकड़ें, पहले लड़का को धर लिए हमने, इसको रखो बचा करके, यही एक हम लोग को प्रूफ है। और अगर ये निकल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इतना ही तो हम जानते हैं। फिर थाना प्रभारी आए, लड़का को थाना प्रभारी को सौंप दिए। थाना प्रभारी को आपने ही सूचना की? हाँ, मैंने सूचना किया, इसलिए मैंने सूचना किया कि यहाँ के हम मुखिया हैं, और अगर यहाँ हम बात को छुपाते हैं तो हमारे पीछे भी लोग हैं, कहीं हमारे पीछे लोग अगेंस्ट कहेंगे तो भाई हमारा कहाँ वक्त मिलेगा, मेरा जगह कहाँ मिलेगा, तो हम तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, आप एक बात बताइए, आपका बगल में घर है, तीन दिन उन लोग यहाँ पे रहे पति पत्नी, तो उस बीच में कभी नोक झोंक ऐसा हुआ था, आपको सुनने में मिला कुछ? नहीं, यही तो मुझे अफसोस है कि अगर इसमें अगर इन लोग में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नोक झोंक चल रहा था तो कम से कम हमें भी इन लोग बोलता कि दादा देखिए ऐसा ऐसा बात है, या मुखिया जी देखिए हमको ये सता रहा है या मारता है या पीटता है, तो हम कुछ सोच सकते थे उसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत खुशी खुशी देख रहे थे लोगों को, दोनों आदमी ठीक है, लेकिन ये लड़का चला गया, इसको मौका नहीं मिला, ये चला गया धनबाद और दूसरा दिन फिर तुरंत लौट गया जो कल के डेट में, और कल ये इतना बड़ा घटना घटा दिया। मतलब अचानक इन दोनों के बीच हुआ, मतलब इसके पहले कभी ऐसा कुछ नहीं होता था दोनों के बीच में? तो होता भी नहीं था और यहाँ उन लोग रहता भी नहीं था। अच्छा, घर मकान उनका है यहाँ पे? हाँ, उनका मकान है, दो रूम उसके फादर बनाए हैं, कि जब भी वो आते थे धनबाद से तो अपने पड़ोस के यहाँ रहते थे, अपने गुतिया के यहाँ, तो सोचा कि मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा मिला है एक कट्ठा आधा कट्ठा, तो उसमें हम भी दो झोपड़ा लगा लें, ताकि आवेंगे तो कम से कम अपने झोपड़ा में तो हम अपना बसर करेंगे। लेकिन वो झोपड़ा लगा के किया और ये लड़का फर्स्ट बार आया लेकर। अच्छा, उनके वो पिताजी के साथ में ही रहते थे ना, उनका और कोई भाई है जो अलग वगैरह रहता होगा? देखिए पिताजी के साथ तो नहीं रहता था, इन लोग बाप बेटा में भी झमेला कुछ चलता था, क्योंकि लड़का जो है बात को नहीं समझता था, बाप इसका बहुत शरीफ है, हमारा साथी है, इसमें कोई शक नहीं है, बाप बहुत शरीफ है, लेकिन अब बेटा का बात नहीं मानता होगा, ये तो बाप का बात नहीं मानता होगा बेटा, तो इन लोगों में नोक झोंक चलता था, लेकिन ये अटेंडम इतना बड़ा प्रोग्राम करके ये घटना कर रहा। शादी तो उनके पिताजी हिंदू रीति रिवाज के साथ किए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब बाप जिंदा है तो भाई शादी कौन करेंगे। शादी कितना साल पहले हुआ था मुखिया जी? इनके शादी में हम भी बरात गए थे, समझ गए, लगता है 5 साल के लमसम में, हाँ उतना डेट हमको मालूम नहीं है, चलिए 18 रहे, लेकिन बारात हम भी गए थे, समझ। बिल्कुल राजी खुशी से शादी हुआ? हाँ बिल्कुल राजी खुशी से शादी हुआ, वहाँ हम लोग खाना पीना भी खाया, बारात हम गए थे, फिर सुबह में लड़की को लेकर के भी आए, और इतना दिन इन लोग गुजारा भी, ये इसके बीच में आज तक इनके पड़ोस भी नहीं कोई कह सकता है, या तो कोई जानता है कि हाँ लड़की गलत में चल रही थी। देखिए मुखिया जी का कहना है कि उन लोग पूरे परिवार धनबाद में रहते थे और तीन दिन पहले यहाँ आए, और उस तीन दिन के बीच में कभी इन दोनों के बीच कोई झमेला नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, अचानक ऐसी घटना हुई है। जी के द्वारा प्रशासन को सूचना दिया गया, प्रशासन उनको गिरफ्तार कर थाने ले गई है, उसके बाद मैं प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस सब को क्या किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा या क्या होगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ, तब तक बने रहिए, आप देख रहे हैं मगध लाइव।